और आवाम के हाल चाल, मेरा नाम अहमद और आप देख रहे हैं अहमद मोटिवेट्स। यहाँ पर मैं वीकली मोटिवेशनल व्लॉग्स अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे इंसान बन सकें। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है सम पीपल कम इन टू योर लाइफ फॉर अ रीज़न। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में एक वजह से आते हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, और कितनी बार ऐसे होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि उनके आने की वजह क्या, उनके जाने की वजह क्या है। लेकिन हमेशा याद रखें, ज़िंदगी में आपकी जो भी इंसान आएगा ना, वो इंसान का आना आपकी ज़िंदगी में लिखा था। लिखा था कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। वो इंसान आपकी ज़िंदगी को अच्छा करे, वो इंसान आपकी ज़िंदगी को बुरा करे, वो आपको अच्छा इंसान बनाए, वो इंसान आपको बुरा इंसान बनाए, वो सब लिखा हुआ है। आपको बस हमेशा हर इंसान के आने से, हर इंसान के जाने से एक लेसन लेना है, दैट्स इट। कोई आपकी ज़िंदगी में आता है, आपकी ज़िंदगी को अच्छा करता है, आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, लेसन लें, सबक सीखें। कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है, कोई इंसान आपको धोखा देता है, आपको तकलीफ़ देता है, सबक लें। हमेशा किसी के आने से, किसी के जाने से ज़िंदगी में सबक लेते रहें, क्योंकि हर इंसान का आपके आने में, ज़िंदगी में आने की एक वजह होती है। अच्छी वजह, बुरी वजह, आपको तकलीफ़ देना, आपको खुश करना, हर चीज़ की एक वजह है। इसीलिए हमेशा कोई भी ज़िंदगी में आए ना, तो सबक लेते रहें, सीखते रहें, उनसे सीखते रहें। कोई आपके साथ बुरा करता है, सीखें, बोलें कि मैंने इसकी तरह बुरा नहीं बनना। कोई आपके साथ अच्छा करता है, सीखें, बोले मैंने इसकी तरह अच्छा इंसान बनना है। और हर इंसान का आपकी ज़िंदगी में आने की वजह होती है, ये बात हमेशा याद रखना। कभी भी ये मत सोचना कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आया बिना वजह के। हर इंसान आपकी ज़िंदगी में एक वजह लेके आता है। वो वजह कुछ भी हो सकती है, वो वजह हमें भी नहीं पता होती है। हमें वो वजह तब पता लगती है जब वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, या हमारे बहुत करीब हो जाते हैं, या जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तब हमें उनकी वजह पता लगती है कि वो किस वजह से हमारी ज़िंदगी में आए थे। उससे पहले वजह नहीं पता लग सकती। इसलिए जो भी इंसान ज़िंदगी में आए ना, याद रखना वो वजह से आया है, और हर इंसान से सबक हासिल करना है आपने, बेशक वो आपसे अच्छा करे बुरा करे। इसीलिए सबक हासिल करते रहें, और कभी भी किसी के आने पर सवाल मत करें, कभी भी किसी के जाने पर सवाल मत करें। जो बड़ी मुश्किल बात है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन हमें फेस करना पड़ेगा यार। कोई आता है, कोई जाता है, सवाल मत करें, क्योंकि हर इंसान एक वजह लेकर आता है ज़िंदगी में, और एक वजह लेकर ही जाएगा वापस। इसीलिए सबसे सबक सीखें, और वजहें ढूंढने के लोग आपकी ज़िंदगी में क्यों हैं, आपको वजहें मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सबके साथ शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के अपना ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम।